हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे यूफोर्बिया मिली का प्रोपागेशन करते हैं, उसका कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो ज़रूर दोस्तों, आप देखिए कितना अच्छा इसमें फ्लावर आया पूरा भर के। इसका जो कटिंग्स मैं करूँगा थोड़ा देख के, जिसमें फूल मतलब ख़त्म हो गया, जैसे ये ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस को कट कर लेंगे, ये ब्रांचेस रहने देते हैं। फिर ऐसे मैं देख देख के मतलब इसको काटना पड़ेगा जिसमें फ्लावर ख़त्म हो गया, जैसे ये ब्रांचेस है, तो इसको देख देख के फिर काटेंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप उसको तुरंत देख सकते हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैंने एक जो पौधा लेके आया, आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे फूल हैं, फूलों से भरा हुआ है ये। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में बताऊं कि ये बहुत ही लेस मेंटेनेंस का है, मतलब बहुत कम मतलब इसको देखभाल करने से ही ये जो है बहुत अच्छा फ्लावर करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक नया ब्लेड, थोड़ा सा सैनिटाइज़र, और एक ये जो है आप देख रहे हैं, ये एलोवेरा का पत्ते का जो जेल है, एलोवेरा जेल, नेचुरल रूटिंग हार्मोन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले इसको कट करके रखा, आप इसको देखिए, इसको मैंने रखा। तो चलिए थोड़ा सा हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं पहले, और ब्लेड को भी दोबारा सैनिटाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको सूख जाने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सूख गया तो मैं आपको एक कटिंग करके दिखाता हूँ। मतलब इसका जो है ये तो सारा फूलों में भरा हुआ है, लेकिन जो एक मुझे दिख रहा है उसको थोड़ा सा नीचे से मैं कट कर लूँगा। तो ये वाला कट कर लेंगे, ये फूल भी पुराना हो चुका है बहुत दिन का, तो इसका ये कट कर लिए। इसमें दूध निकलता है तो इसको थोड़ा सा इसको पोंछ लेते हैं, दूध को सूख जाएगा। और इसको जो है हम जो पत्तियां हैं इसका, ये थोड़ा धीरे धीरे निकाल देंगे। तो नहीं तो ये पत्ती रहेगा तो फिर ये इसको खाना बनाने में लग जाएगा, इसका जड़ फिर नहीं, धीरे से तो ताकि इसका जो बीज वाला पत्ता है वो नहीं कट जाए। एक आध पत्ता आप छोड़ सकते हैं, ताकि ये देखिए बीज वाला जो पत्ता है, ये बीज वाला पत्ता मतलब आपको काटना नहीं, इसको रखना है, और इसको साइड से हम कट देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो ये भी काट देते हैं, तो ये फूल को भी काट देते हैं, नहीं तो फिर इसको भी मतलब न्यूट्रिशंस चाहिए। तो ये उसके काम मतलब ये है, अभी ये कटिंग जो हो गया, पहले से कट करके रखा ऐसे देखिए, तो इसको मैं अभी ये देखिए, ये रेतों में मतलब बिल्कुल सिर्फ रेत है, सैंड है, और बहुत मतलब इसको जो है साफ़ सुथरा जो सैंड है इसको धो के, पानी में धो के फिर इसमें सूखो के फिर इसमें डाला हुआ है, ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया या तो जर्म्स इसमें ना रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है आप इसको, मैं पहले कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगा आपको। और हम जो अभी करने वाले हैं उसको आप देखिए, ये जो एलोवेरा जेल है इसको थोड़ा सा पहले इसको सुखा लेते हैं, उसके बाद इसको एलोवेरा जेल में इसको घिस के फिर इसको अंदर कर देते हैं और दबा देते हैं चढ़कर से। तो दोस्तों ऐसे आप बहुत ही आसान तरीक़े से आप जो है इसका कटिंग से आपका जो पौधा
आप बढ़ा सकते हैं। आपके पास अगर एलोवेरा का पौधा है तो, और नहीं तो ये बाज़ार से आपको एलोवेरा ये रूटिंग हार्मोन जो पाउडर है उसको ख़रीदना पड़ेगा। पानी इसको बिल्कुल भर देंगे ताकि नीचे से भी पानी निकल जाए एक बार, फिर थोड़ा दो चार दिन के बाद बाद इसमें पानी की जो है स्प्रिंकल करना पड़ेगा। धूप में आप रख सकते हैं दो तीन दिन के बाद, लेकिन बरसात से तो ज़्यादा बरसात होगा तो फिर इसको शेड के नीचे रखिए। तो दोस्तों देखिए ये पूरा ये पानी है बिल्कुल आप नीचे से आ गया, तो ये हो गया दोस्तों। तो इससे मतलब आप बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मतलब पूरा ये सब पानी निकल रहा है इसके अंदर से, और अच्छी तरह मतलब इसका जो गैप अंदर होगा तो वो भी फिल हो गया। अभी इसको जो है तो एक आप शेड के नीचे रख सकते हैं, तो दो दिन तीन दिन के बाद आप इसमें धूप में रखिए और बरसात से बचाइए, मतलब भारी वर्षा होगा तो फिर उसको बचाइए। इसको कम से कम आप एक महीना तो लग ही जाता है इसका जो रूट्स निकालने में, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।